नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई डिजाइन लेकर हाजिर हूँ और इस डिजाइन में आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग से रस्सी कैसे डालते हैं और ये ताना कैसे ताड़ना है, माई कैसे गुथनी है, उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना दिया है। बहुत सी वीडियो बनाए थे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हिंदी में, इंग्लिश में नाम लिखना, मोबाइल नंबर, वो भी वीडियो मैंने आपको बताई दोस्तों। यदि वो वीडियो आपने देख ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या आपको राइट साइड में आई बटन होता है ऊपर हमारा, उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ भी दोस्तों आपको देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये लहर हमारी जा रही थी, ये तो यहाँ मैंने गुंडी और दूसरी तरफ की लहर थी वो मैंने बांध दिया है रस्सी। अब इसको सेम मैंने रस्सी डालनी है, तो रस्सी मैंने काटी नहीं है, आपको इसी रस्सी से आज मैं आपको डिजाइन बनाकर दिखाऊंगा, वो भी दोस्तों सेंटर में। तो यहाँ से मेरा डिजाइन है, पाँच रस्सी आप दबाते रहिए और पाँच रस्सी उठाती रहिए दोस्तों। तो इस प्रकार जोड़ा से आपको रस्सी लेनी है, पांच ही दबानी है और पांच रस्सी उठानी है। इस प्रकार नीचे भी आप पांच दबाते और पांच रस्सी उठाती रहिए। ये पांच दबाई मैंने, पांच रस्सी उठाई है, फिर मैंने पांच दबा दी है और पांच रस्सी ही उठाई है। तो पूरी डिजाइन में ही दोस्तों ये पांच रस्सी दबाते रहिए और पांच रस्सी ही उठाते रहिए, इसमें कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे। ये पांच पांच रस्सी मेरी ले रहा हूँ, जोड़ा से सभी पांच पांच रस्सी ले रहा हूँ। और ये पांच हमने उठा दिए। इस प्रकार से आपको लेना है, ये पांच रस्सी दबाई और पांच रस्सी मैंने उठा दिए दोस्तों। फिर यहाँ भी पांच रस्सी दबाई और पांच रस्सी ये उठा दिए मैंने। इसी बात का आपको ये ध्यान रखना है, बस पांच दबाई और पांच रस्सी मेरी उठाई है, यही हमारा सीक्वेंस चलेगा दोस्तों। इससे पहले भी मैंने सीक्वेंस में आपको बताई थी वीडियो किस प्रकार से बनानी है, और वो फिर मैं आपको एक नई डिजाइन से बता रहा हूँ। और हर बार दोस्तों मैं आपको नई ही डिजाइन सिखाता हूँ ताकि बहुत ही आसानी से आप सीख सकें। अब अंत में यहाँ पे दोस्तों मेरे पास चार रस्सी बच गई हैं, तो चार मैं दबा दूंगा। अब ये कि ये किल्ली कैसे डालें, सबसे मेन बात ये है दोस्त, देखो इसके नीचे से ये रस्सी होती है, वहाँ से आप इस रस्सी को निकालिए और निकालने के बाद में आपको इसके अंदर से ये रस्सी आपको डालना है। बस यही आपको बात का ध्यान रखना है, जब ये रस्सी डालते हैं तो इसी बात का आपको ध्यान रख कर ये काम करना है। बस देखो यहाँ से निकाल कर और इसमें ये डाल देंगे और वापस इसको खींच लेंगे और ये वापस इस तरफ भी खींच देंगे दोस्तों। इसको थोड़ी नज़दीक कर दीजिए रस्सी को और यहाँ से भी आप घुंडी डाल दीजिए, ये घुंडी हम डाल देते हैं दोस्त। इस प्रकार से आपको डालना है और इसी में दोस्तों आपको क्या करना है, सेम रस्सी डाल देना है एक बार और, आपको सेम ही रस्सी आपको पांच दबाई पांच उठाई डाल देना है, बस इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। दो रस्सी इसमें डबल सेम डालनी है बस, इस काम का आपको सबसे पहला ध्यान रखना है दोस्तों। ये मैं दो सेम डाल देता हूं, ये मैंने आपको सेम डाल दिया दोस्त, ये सेम रस्सी आप इसी प्रकार से डाल दीजिए बस। ये सभी में पांच उठानी है और पांच ही दबानी है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना आपको। ये पांच दबाते और पांच उठाते रहिए आप।
ये आपको ध्यान रखना है बस। डिजाइन बनाते समय दोस्तों इसी बात का आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आगे डिजाइन कैसे बनेगी वो सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस तरफ भी हम के लिए डाल देंगे, और दोनों तरफ मैं आप आज आपको दिखा दूंगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चार आपको रस्सी दबा देनी है और पांच रस्सी उठानी है आपको, इस बात का ध्यान रखना है बस। आगे दोस्तों देखिए, यहां से मैंने चार दबाई, फिर पांच उठाई, पांच दबाई, फिर मैंने सात रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाई है, फिर आगे सात रस्सी उठाकर मैंने पांच रस्सी ये दबाई है, फिर मैंने पांच रस्सी उठाई, पांच दबाई है। मैं दोनों तरफ दोस्तों आपको बताऊंगा, यहाँ भी बताऊंगा डिजाइन, यहाँ भी बताऊंगा, आज मैं आपको सेंटर में नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आपको दोनों अलग डिजाइन बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप आकर ये पांच दबाकर तीन रस्सी उठा दीजिए। इसमें दोस्तों सभी दो दो के हिसाब से मैं ये रस्सी डालेंगे हम, ये सभी रस्सी हमारे एक साथ डालेंगे दो, इस प्रकार से आप ये रस्सी डालना है। आगे कैसे रस्सी डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने एक उठाकर यहाँ पांच दबाई, फिर पांच उठाई, पांच दबाई, यहाँ पे दोस्तों मैंने छह रस्सी उठाई है ये, फिर यहाँ पे एक दबाई है, फिर ये छह रस्सी उठाई, फिर पांच दबाई, पांच उठाई, पांच दबाई, पांच उठाई, लेके आई यहाँ तक लेके आई, फिर यहाँ पे छह रस्सी उठाकर एक दबाई है, फिर यहाँ पे दोस्तों छह रस्सी उठाकर पांच दबाई, पांच उठाई, पांच दबाई, पांच उठाई, इस प्रकार से डिजाइन शुरू किए मैंने। अब यहाँ पे मैंने चार रस्सी दबाई मैंने और पांच उठाई, इस प्रकार से आगे डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे दोस्तों फिर मैंने पांच उठाकर ये तीन रस्सी दबाई है, सॉरी पांच दबाकर छह रस्सी उठाई है, छह रस्सी उठानी होगी आपको, और यहाँ तीन रस्सी दबाना होगा, फिर यहाँ छह रस्सी उठाना है, और छह रस्सी उठाकर आपको पांच दबाई, पांच रस्सी उठा के लेके आए, पांच दबाई, पांच उठाई लेके आए, इस प्रकार से पांच दबाते और पांच उठाते लेके आए दोस्तों, हमारे सेंटर तक आप पांच दबाई और पांच उठा के लेके आए, इसमें कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करना है। जब यहाँ तक ये फूल यहाँ पे बनेगा एक और यहाँ पे बनेगा दोस्तों, पांच दबाई और पांच उठाई है हमने, सभी में, और यहाँ पे दोस्तों पे ध्यान रखना है, छह रस्सी उठाकर आपको तीन रस्सी दबा देनी है दोनों तरफ। आज आपको मैं डिजाइन बनाकर दिखा रहा हूँ, फिर यहाँ पे छह रस्सी उठाकर ये पांच रस्सी आप दबा देंगे और पांच रस्सी उठा देंगे, लास्ट में हमारे पास चार रस्सी बच जाती है, तो आप चार रस्सी को दबा दीजिए और ये घुंडी डाल देंगे हम, इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। वापस रस्सी खींच लेंगे हमारी, और इसको भी आप खींच लीजिए दोस्तों, और इधर भी ये घुंडी आप डाल दीजिए, घुंडी डालकर आपको साथ साथ में क्या करना है दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ मैं, बाद में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, किसको भी थोड़ा आप हल्का हल्का ये सेट करते जाइए इस प्रकार से। इससे पहले मैंने सेंटर में आपको डिजाइन बनाकर बताई थी, आज दोस्तों सेंटर में नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ दोनों तरफ आपको बता रहा हूँ, यहाँ सेंटर में अपने आप ही एक डिजाइन बन जाएगी दोस्तों। फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर मैं पांच रस्सी उठानी आपको, और पांच दबाते पांच उठाते रहिए लास्ट तक, सॉरी दोस्तों कि सेम रस्सी ही डालनी है आपको, ये चार दबानी है और ये पांच रस्सी उठानी है, हर में दो रस्सी आपको सेम डालना है दोस्तों, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, पूरी में ही ये सेम रस्सी डालना आपको, डबल रस्सी एकदम सेम डालना आपको, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे बस। इस डिजाइन में यही एक खास बात है कि सेम रस्सी का आप ध्यान रखेंगे पहले तो, फिर डिजाइन कैसे बनेगी वो तो दोस्तों अलग बात है, लेकिन सेम रस्सी आपको सबसे पहला ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये सभी सेम रस्सी डाल दीजिए,
मैंने इसमें पहले बता दिया था कितनी रस्सी आपको दबानी है, कितनी रस्सी उठानी है। इसमें हर तीसरी रस्सी में आपको चेंज करना है, दो रस्सी सेम डालकर और तीसरी रस्सी आप डालेंगे तो उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब वापस से ये रस्सी डालकर हम इसको खींच देंगे, इस तरफ भी हम ये रस्सी डाल देंगे दोस्तों, इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और ये भी वापस इसको थोड़ा सेट कर देंगे इसका हल्का। अब अगली रस्सी में इसको चेंज करना है दोस्तों, हर तीन रस्सी बाद में आपको चेंज करना होगा। अब यहाँ पे तीन रस्सी आपको दबाकर पांच रस्सी उठाना है, फिर आगे पांच दबाते और पांच दबाकर और ये छह रस्सी उठानी है दोस्तों, और छह उठाकर दोस्तों आपको पांच रस्सी दबाना है, फिर पांच रस्सी उठाना है, इस प्रकार से डिजाइन बनाना है। आगे पूरी में ही दोस्तों ये पांच दबाते और पांच उठाते रहिए आप, इसमें कोई भी इंटरफेयर मत कीजिए। यहाँ के सेंटर में बस थोड़ा ध्यान रखना है, पांच दबाकर आपको तीन रस्सी उठानी है सेंटर में आपकी बार, ये तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे पांच दबाएंगे पांच रस्सी उठा देंगे, ये पांच दबाई पांच रस्सी उठाइए, फिर यहाँ पे दोस्तों पांच दबाकर छह रस्सी उठानी है ये, और फिर यहाँ पांच दबा देंगे और छह रस्सी ये उठा देंगे दोस्तों, छह रस्सी उठाकर फिर आप पांच दबाएंगे और पांच रस्सी उठा देंगे, और ये तीन मेरी रस्सी बच गई अंत में, ये तीन रस्सी आप दबा दीजिए और ये घुंडी डाल दीजिए इस प्रकार से। कई दोस्त पूछ रहे थे कि बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आज मैं वही चीज आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कि किस प्रकार से बनते हैं, और दोनों तरफ आपको डिजाइन दिखा रहा हूँ मैं, कि पर्टिकुलर सेंटर में नहीं दिखा रहा, सेंटर में एक अपने आप ही एक अलग डिजाइन बन जाएगी दोस्तों, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना। और ये रस्सी आपको सेम रस्सी ही डालना है दोस्तों, तीन दबाकर पांच उठाकर ये छह उठानी है, फिर तीन दबाई पांच उठाई फिर पांच दबाई, फिर यहाँ छह रस्सी उठाई पांच दबा देंगे, फिर यहाँ तक सेंटर तक पांच दबाते पांच उठाते लेके आए, इस रस्सी में आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, सिर्फ ये आपको सेम रस्सी डालनी है। इसलिए मैं आपको बताया था पहले कि तीन रस्सी तीसरी रस्सी में आपको इंटरफेयर करना है, उसके बाद में ही पहले सभी दो रस्सी सेम डालनी होगी आपको, ये डिजाइन में यही आपको आज बताऊंगा मैं। ये सभी इस प्रकार से आप डाल पाएंगे। अब आगे आप देखिए किस प्रकार से रस्सी डालेंगे हम, ये क्योंकि तीसरी रस्सी हो जाएगी हमारी, तीसरी रस्सी में आपको इंटरफेयर करना होगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा इसको वापस से हल्का सेट कर दीजिए दोस्तों, ज्यादा टाइट रस्सी मत रखिए, नॉर्मल रस्सी रखिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब वापस दोस्तों यहाँ पे दो रस्सी दबाकर और पांच रस्सी उठानी, दो दबाकर आपको पांच रस्सी उठानी, फिर ये पांच उठानी ही आपको, ये छह रस्सी उठानी है दोस्तों पांच दबाकर, और यहाँ भी दोस्तों आपको सात रस्सी दबाना है, फिर यहाँ छह रस्सी उठा लेना है, ये अलग ही डिजाइन आपको बनाते रहेंगे दोस्तों। आगे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पांच दबाकर छह रस्सी उठानी है, छह रस्सी उठाकर तीन आपको दबानी है, एक रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पे आपको तीन दबानी है और ये पांच रस्सी उठानी है, सॉरी छह रस्सी उठानी है, ये छह रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में आगे आपको पांच दबाना है और पांच रस्सी उठाते रहना है, इसमें कोई भी आपको इंटरफेयर मत करना है, ये पांच दबाते और पांच रस्सी उठाते रहिए, सिर्फ सेंटर में आपको ध्यान रखना है, सेंटर में यहां से आपको एक रस्सी उठानी है पांच दबाकर, फिर यहां भी पांच रस्सी दबा दीजिए और पांच उठाकर फिर पांच रस्सी दबाइए, यहां फिर आपको छह रस्सी उठाकर दोस्तों और तीन रस्सी दबानी है और एक रस्सी उठानी है।
इस डिजाइन पे आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ तीन दबाकर पांच छह रस्सी उठाने हैं। फिर ये पांच दबाई और पांच रस्सी मैंने उठा दी है। ये हमारा सीक्वेंस चलेगा और सेम इसी में ही आपको सेम एक रस्सी और डालना है, आपको मतलब डबल करना है। और तीसरी रस्सी में बाद में आपको ये चेंज होगा हमारा डिजाइन, जो भी है डिजाइन वो चेंज हो जाएगी, बट तीसरी रस्सी में होगी दोस्तों। इस प्रकार से दो हमारी ये सेट कर देंगे यहाँ पे। अब हमारी सेम रस्सी ही ये डाल देंगे हम। दो दबाकर हमें पांच रस्सी उठाई, फिर ये छह रस्सी उठाकर तीन दबाई, फिर एक रस्सी ये उठाई। इस प्रकार से सेम डालेंगे। आगे दोस्तों आपको क्या करना मैं बता देता हूँ। मैंने रस्सी डाल दिए, यहाँ पे मैंने एक दबाई थी, पांच उठाई पांच दबाई, या छह उठा के तीन दबाई, फिर ये तीन रस्सी मैंने उठाई है, फिर तीन दबाई छह रस्सी उठाई, फिर पांच दबाई पांच उठाई, पांच दबाई पांच उठाई, पांच दबाई पांच उठाई, फिर यहाँ पे दोस्तों मैंने नौ रस्सी दबाई है। नौ रस्सी दबा कर फिर पांच उठाई पांच दबाई पांच उठाई पांच दबाई, पांच छह रस्सी उठाई, यहाँ पे छह उठाकर तीन दबाई तीन उठाई, फिर ये तीन दबाकर छह रस्सी उठाई, फिर ये पांच दबाई पांच उठाई, यहाँ पे एक रस्सी दबाई। अब इससे आगे हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये भी हमारी छह रस्सी है, ये छह रस्सी उठाएंगे हम। छह रस्सी उठाकर दोस्तों आपको क्या करना, आगे पांच दबानी है और पांच रस्सी उठा देनी है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों तीन दबाकर आपको पांच रस्सी उठानी है, तीन दबाकर पांच रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पे तीन दबाकर ये छह रस्सी उठानी है, फिर आगे यहाँ पांच दबाकर और पांच रस्सी ही उठानी है। इसमें कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करना आगे, तो यहाँ पांच दबाए और पांच उठाइए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सात रस्सी दबा देना है और पांच उठा देनी है, फिर पांच दबाई पांच उठाई, फिर यहाँ पे पांच दबाई और छह रस्सी उठा दी। इसके बाद में यहाँ पे तीन रस्सी दबाई और ये पांच रस्सी उठा दी हमने, फिर आगे यहाँ तीन दबा देंगे हम और छह रस्सी उठाएंगे, फिर पांच दबाएंगे और पांच रस्सी उठा देंगे दोस्तों। इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलेगा हमारा, और ये रस्सी हम इस प्रकार से डाल देंगे। अब वापस से आप इसको फेंस दीजिए रस्सी को। आ जाएगी दोस्तों। अब दूसरी रस्सी भी आपको सेम डालना है दोस्तों इसी में, वो आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, सिर्फ इसी के साथ सेम रस्सी आप डाल दीजिए। सेम रस्सी हम डाल देंगे, दोनों तरफ आपको सेम डिजाइन होगी दोस्तों, सेम रस्सियां होंगी, कोई भी रस्सी में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। ये डिजाइन दोनों सेम बनेंगी, जितनी इस तरफ रस्सी दबी है वो भी इस तरफ इतनी रस्सी दबेंगे दोस्तों। थोड़ा बस आपको सेंटर में ध्यान रखना है और कोई भी काम नहीं करना आगे। सेंटर में रस्सियां लहर वाइज अपने आप चलती रहेंगी, ताकि आप लहर भी ध्यान रखकर आपको पता चल जाएगा कि हम गलत जा रहे हैं या सही जा रहे हैं। हर में आपको डबल रस्सी डालना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। सिंगल रस्सी कहीं भी यूज नहीं करनी है इसमें डिजाइन में, आपको डबल रस्सी ही डाल के मैं दिखा रहा हूँ बस। अब ये इस प्रकार से हम डाल देंगे। हर दो रस्सी बाद में आपको तीसरी रस्सी में डिजाइन चेंज हो जाएगी दोस्तों। ये इस प्रकार से हमारी डिजाइन चेंज हो जाएगी। ये डाल कर इधर भी हम ये डाल देते हैं और ये सभी रस्सी को भी दोस्तों आपको सही करना होगा। बीच बीच में हमारी रस्सी इसको भी ऐसे थोड़ा सही कर दीजिए, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए। ये सभी चीज़ों का आपको
ध्यान रखना है दोस्तों। तो आगे की डिजाइन दोस्तों मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगा, थोड़ी लंबी वीडियो होने के कारण से ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पार्ट टू में आपको आगे डिजाइन किस प्रकार से बनेगी वो सभी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।